लेट्स लुक एट एक्टिविटी ऑन नोड एक्जाम्पल और इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे हमने हमारे पास जो डी ए डेटा वगैरह उसको हमने उस उसके बेसिस के ऊपर हमने ये प्रेसिडेंस डायग्राम यूजिंग एन वो हमने कैसे डेवलप करना है एक्टिविटी ऑन नोड के कन्वेंशन यूज़ करते हुए हमने प्रेसिडेंस डाइग्राम Uh, कैसे कैलकुल डिटरमिन uh, करना है फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ एन एग्जाम्पल ये मिल पेपर मैनुफेक्चरिंग है और उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि परफॉर्म की जाएंगी uh, इसकी डिटेल जो है और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो हमने टेबल के फॉर्म के अंदर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिया हुआ है एंड दैट इज विच इज़ कॉल्ड एक्टिविटीज एंड इट्स प्रेडिस इसके अंदर अगर हम देखें तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर एक्टिविटीज लिस्ट हुई हुई हैं uh, ये एक्टिविटीज है फ्रॉम ए टू एच ए बी सी डी ई एफ जी एच उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है मिडल वाले कॉलम के अंदर और राइट मोस्ट कॉलम जो है वो उसका इमीजिएट प्रिडिस दिए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी ए इसका इमिजिएट प्रसाइसर कोई नहीं है वट डज दैट मीन अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है तो उसका क्या मतलब है उसका मतलब है कि ये एक्टिविटी पहले सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है इसी तरह बी कभी कोई नहीं है पहले तो ये दो एक्टिविटी सबसे पहले होंगी डायग्राम के अंदर शो कि ये ये सबसे पहले परफॉर्म होंगी उसके बाद हम कहते हैं कि जो सी है उससे पहले ए का कंप्लीट होना लाजमी है तो ए के बाद सी की बारी आएगी वेयर एज ए और बी दोनों की कंप्लीशन के बाद डी की बारी आएगी जो हमने इससे पहले कन्वेंशन के अंदर देखा था एग्जाम्पल्स कुछ थी उसके अंदर ए और बी के बाद डी उसमें शो हुई हुई थी तो इसी तरह ये सारे के सारे ये राइट right वाला इमीडिएट प्रसर है और लेफ्ट मोस्ट में वो एक्टिविटी है कि इससे पहले क्या होगा तो तरीका जो डेवलप करने का है जो कि आई यूज यूजली वो ये है कि आई लुक एट इमीडिएट इमीजिएट फर्स्ट और फिर मैं देखता हूं कि इसके बाद कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए सो आई लुक एट इमीडिएट प्रसर फर्स्ट रो ए से पहले कोई एक्टिविटीज नहीं है दैट मीन्स ए इज द फर्स्ट वन इसी तरह अगर मैं इधर देखू एट इमीजिएट प्रसैसर ए तो उसके बाद कौन सी एक्टिविटी आ रही है सी तो ए के बाद मैं सी ड्रॉ कर दूंगा तो इसी तरह ट्स ड्रॉ दिस प्रेसिडेंस डायग्राम फर्स्ट इज नोड स्टार्ट का उसके बाद हम देखते हैं कि ए और बी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं थी प्रिडिस कोई नहीं था ए और बी का सो ए एंड बी बोथ विल बी परफॉर्म फर्स्ट सेमिलटेनियसली हो सकती है ए भी परफॉर्म हो रहा है बी भी परफॉर्म हो रहा है देन आफ्टर ए वी हैड सी

रिलेशनशिप बिटवीन द टू एक्टिविटीज तो इसके अंदर ई e, डी और ई e कंप्लीट होंगे तो जी शुरू होगा और फाइनली एफ uh, और जी कंप्लीट होंगे तो हमारा एच कंप्लीट होगा सो दिस इज द कंप्लीट प्रेसिडेंस डायग्राम ऑफ द एक्टिविटीज जो कि हमने टेबल के अंदर देखी थी बेसिकली आठ एक्टिविटीज थी और उनका ये प्रेसिडेंस है अब इसके अंदर आगे चल हम देखेंगे कि टाइम्स दिए होंगे और फिर हमने डिटर्मिन करना है कि कौन सी जो इसके अंदर वो है एक्टिविटीज के लिंक जो क्रिटिकल पाथ बना रहा है और वो क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि ये क्रिटिकल पाथ हो या कोई और क्रिटिकल पाथ हो सकता है डिपेंडिंग uh, अपॉन के इन एक्टिविटीज़ का क्या टाइ, टाइम है तो वो क्रिटिकल पाथ जो है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिन के ये प्रोजेक्ट कितने टाइम पर कंप्लीट होगा फॉर एग्जांपल अगर ये क्रिटिकल पाथ है तो इसके अंदर टोटल टाइम इन एक्टिविटीज़ का जो है दैट विल टेल अस के जी प्रोजेक्ट जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा और दूसरी एक्टिविटीज़ का टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन ये जो प्रोजेक्ट टाइम है ये टाइम में कंप्लीट होगा दैट इज वाई ये जो एक्टिविटीज हैं इनको क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं और यही एक्टिविटीज हैं कि इनका टाइम रिड्यूस किया जाए तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम रिड्यूस हो सकता है